ब्राह्मणों को परशुराम बनने पर मजबूर न करें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इस बार हमारी पार्टी संभाग की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, ये कहना है रीवा संभाग के अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आनंद तिवारी का। हमारी टीम ने उनसे बात की। पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख का एक बयान ब्राह्मणों को लेकर आया था, जिसके चलते रीवा संभाग के राष्ट्रवादी कांग्रेस के संभागीय अध्यक्ष आनंद तिवारी ने पत्रकार वार्ता करके अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है ब्राह्मण कमजोर नहीं है, उसे परशुराम बनने पर मजबूर ना किया जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस के संभागीय अध्यक्ष कहते हैं निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी संभाग की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी तैयारी जोर शोर से उनकी पार्टी ने प्रारंभ कर दी है। संभागीय अध्यक्ष आनंद तिवारी साफ तौर से कहते हैं महाराष्ट्र में हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। जिस तरीके से शरद पवार ने पार्टी को संभाला है और हमें निर्देश मिले हैं कि आप लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी करिए, साथ ही उन मुद्दों पर भी अपनी आवाज प्रमुखता से उठाइए जो मुद्दे जनता के हित के हैं, जिसके चलते हम लोगों ने पत्रकार वार्ता की है। आइए आपको सुनाते हैं संभागीय अध्यक्ष आनंद तिवारी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने क्या कुछ कहा पत्रकार वार्ता के दौरान हमारी टीम से बात करते हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद। हमारे साथ मौजूद हैं तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आनंद जी, संभागीय अध्यक्ष। ये आज आपकी जो पत्रकार वार्ता थी, किस मुद्दे को लेकर? सबसे पहले जो मुद्दा है हमारा, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा जिस तरह से ब्राह्मणों को आरोपित किया गया है कि जो जातियां हैं ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई हैं, वो मुद्दा है मेरा प्रमुख। क्योंकि उनको अगर उन्होंने आरोपित किया ब्राह्मणों के ऊपर, तो उसका प्रमाण प्रस्तुत करें मोहन भागवत जी कि किस दिन को किस ब्राह्मण ने जातियाँ बनाई थी। बिना प्रमाण के इस तरह से आरोप लगा देने से ब्राह्मण समाज दुखी है और ब्राह्मण समाज के लोगों में आक्रोश है। और अगर उन्होंने पूरे देश के ब्राह्मणों से माफ़ी नहीं मांगी, तो आने वाले समय में ब्राह्मण समाज परशुराम का रूप धारण करेगा। क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है? निश्चित रूप से चुनावी मुद्दा बन सकता है, बन ही चुका है। ब्राह्मणों को हमेशा इस तरह से नकारा गया है। भाजपा ने हमेशा जो है बात करती हिंदुत्व की बात करती भारतीय जनता पार्टी, और कहीं भी हमेशा बीजेपी ने ब्राह्मणों को अपमानित किया है। पूर्व चुनाव में आप ले लीजिए शिवराज सिंह ने क्या कहा था। तो इसलिए जो है तो ब्राह्मण समाज अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज में इतना आक्रोश है कि वो उसकी सीमा नहीं है। ये थे हमारे साथ आनंद जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि आगामी आने वाले वक्त में जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर आरएसएस प्रमुख ने कहा है, उसके खिलाफ हम परशुराम भी बन सकते हैं। आपने आज और भी बहुत सारी बात की विद्युत मंडल की। इस समय भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा जिस तरीके से निकल रही है, विकास को उन्होंने बहुत किया? कोई विकास नहीं है श्रीमान, विकास के नाम पर सिर्फ वाहवाही लूटी जा रही है। एक भी विकास भारतीय जनता पार्टी गिना दे, अधिकारी कर्मचारियों से पार्टी का प्रचार करवाया जा रहा है। विकास यात्रा का मतलब है कि शासन की योजनाओं के बारे में आप बताएं जनता के बीच में, योजनाओं के बारे में क्या बताएंगे, आप विकास किए ही नहीं है। जहाँ पार्टी का झंडा बैनर हो वहाँ अधिकारियों को नहीं जाना चाहिए। यहाँ विधायक कहता है कि इतने तहसीलदार को भेज दो, SDM को भेज दो, और वहाँ पार्टी का झंडा बैनर लगा रहता है, यही चल रहा है। अब विकास ये है कि अगर कोई शिकायत करेगा भारतीय जनता पार्टी की, कोई